आप अपने ड्राइंग रूम में बैठकर कंगना रनौत के बयानों और सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या है या हत्या जैसे मुद्दों से बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक उसी समय देश का किसान सड़कों पर रैलियां कर रहा है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े इन तीन विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीटीवी हिंदुस्तान। अब ये विधेयक क्या है, इन विधेयकों का क्या प्रावधान है, इनका विरोध क्यों हो रहा है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आखिर ये विधेयक है क्या बला। पहला विधेयक है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात भी इस विधेयक में कही गई है। अब आपको बताते हैं कि दूसरा विधेयक क्या है। इस विधेयक का नाम है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। ये बिल कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता मालूम पड़ता है। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा इस विधेयक के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे विधेयक की, जिसका नाम है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा, क्योंकि बाजार में इस प्रथा बढ़ेगी। तो ये थे वो तीन विधेयक और उनके बताए जा रहे लाभ। अब जानते हैं कि इतने लाभकारी बताए जाने पर भी इनका विरोध क्यों हो रहा है। किसान संगठनों का आरोप है कि इन नए कानूनों के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका सीधा नुकसान किसानों को होगा। कृषि मामलों के जानकार व्यक्ति हैं देवेंद्र शर्मा, उनके मुताबिक किसानों की चिंता जायज है। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि किसानों को अगर बाजार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर ही क्यों जाते। उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को MSP नहीं मिलती, उन्हें ही वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। पंजाब में होने वाले गेहूं और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही FCI द्वारा किया जाता है या फिर FCI ही उसे खरीदता है। वो इसके लिए एक उदाहरण बताते हैं कि साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीजन में केंद्र द्वारा खरीदे गए करीब 441 लाख मीट्रिक टन गेहूं में से 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति पंजाब ने की थी। प्रदर्शनकारियों का यह डर है कि FCI अब राज्य की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को करीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा। साथ ही राज्य भी अपना 6% कमीशन खो देगा जो वो एजेंसी की खरीद पर लगाता आया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान आने वाले समय में यह होगा कि धीरे धीरे मंडियाँ खत्म होने लगेंगी, मतलब मंडियाँ खत्म हो जाएंगी। विपक्ष इन तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान विरोधी षड्यंत्र बताया है। विधेयक को लेकर हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख का संकेत दिया है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी देने वाला विधेयक बताया है। उन्होंने कहा है नए प्रावधानों के मुताबिक किसान अपनी फसल किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। तो दोस्तों, अब पता नहीं कौन सच बोल रहा है और कौन सफ़ेद झूठ, ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। लेकिन आपका क्या मानना है
कमेंट करके पूरे देश को जरूर बताइएगा। अब अलविदा, आगे ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए पीटीवी हिंदुस्तान के साथ। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं पीटीवी।